बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 के साथ मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख। नाज़रीन, आपने गुज़िश्ता एक साल से देखा कि हमने मुख्तलिफ शोबायात ज़िंदगी से लोगों को इनवाइट किया और आपके फीडबैक ने हमें मजबूर किया कि हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। आपके पॉजिटिव फीडबैक की वजह से जहाँ हमें पजीराई मिली, वहीं हमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का मौका भी मैसर आया। हमने पाकिस्तान ही नहीं, हमने कनाडा को, जहाँ जो सरजमीन जिसको अपनाया हुआ है, उसके खेल, सकाफत, शोबिज और यहाँ पे जो सियासी सूरत हाल है उसको भी डिस्कस किया अपने प्रोग्राम के अंदर। हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अलावा पाकिस्तान के सियासी मैदान में क्या हो रहा है, खेल के मैदान में कौन छक्का मार रहा है, कौन सा खिलाड़ी मिसफिट है, शोबिज और कल्चर कहाँ पहुँचा हुआ है, पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक को हमने आपके सामने पेश किया। हमने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी शख्सियात को मदऊ किया। हमारे दरमियान आज ऐसी एक शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान का नाम उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। जब वो कहीं मौजूद होते हैं तो हमें मौजूदगी का एहसास होता है कि हम वहाँ खुद मौजूद हैं। चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, पाकिस्तान में हों, अमेरिका में हों, कैनेडा में हों, साउथ अफ्रीका में हों, यूके में हों, किसी भी सरजमीन पे हो, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का झंडा उनके साथ लहरा रहा है। पाकिस्तान का नाम रोशन करने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। उनसे जब बात की जाती है तो इंसान उनके साथ महज गुफ्तगु में इतना मशगूल हो जाता है कि उसे वक्त का अंदाज़ा नहीं रहता। उनके बारे अगर बोलना शुरू किया जाए तो लातादाद एपिसोड जो है वो जमा हो जाएंगे, लेकिन उनके बारे में बात ख़त्म नहीं होगी। उनके बारे में अगर कुछ लिखना चाहें तो लिखते लिखते आप थक जाएंगे, लेकिन उनकी स्टोरी जो उन्होंने पेशावर से शुरू की थी, आज वो जिस मकाम पर हैं, उस मकाम तक किस तरह पहुँचे और इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, दुनिया की मौजूदा हालात में शोबाए सेहत को वो किस तरह थामे हुए हैं, वो कहाँ देखते हैं कि ख्वातीन और नौजायदा बच्चों को शोबे को उन्होंने क्यों अपनाया, क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर वो इस शोबे में दाखिल हुए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा। डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब, वेलकम टू अवर शो। डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब द ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट रिसर्च वर्क इनका है। अगर आप देखें सिक किड्स ग्लोबल हेल्थ चाइल्ड फॉर सेंटर ग्लोबल समेत आप किसी भी शोबे में उनको देखें, उनका एक बड़ा हाथ है। अभी रिसेंटली कनाडा रिलीफ जो है वो बोर्ड है और रिसर्च क्या था ये आपका जो था कनाडा इस्लामिक रिसर्च फॉर कनाडा, उन्होंने इनकी एक एजाजी पोजीशन दी। वो एजाजी पोजीशन जो है वो इब्ने सीना स्कॉलर की थी। इब्ने सीना स्कॉलर क्या है, हम इन्हीं से बात का आगाज करते हैं। डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आपने हमें बड़ा कीमती टाइम दिया। आप बताना पसंद करेंगे कि अभी रिसेंटली जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ इस्लामिक रिसर्च रिलीफ कनाडा की जानिब से, उन्होंने आपको एक एजाजी डिग्री दी, एक एजाजी पोजीशन है आपके लिए, जिससे आपका पाकिस्तान का दोनों का नाम रोशन भी हुआ, इब्ने सीना स्कॉलर। ये इब्ने सीना स्कॉलर क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? तो महबूब भाई, इब्ने सीना के नाम से तो बच्चा बच्चा वाकिफ होगा, ख़ासतौर पर आलम इस्लाम में। उस जैसा जैद आलिम, तबीब, हकीम, जिसको आम इस्तलाह में कहते हैं फ़लसफ़ी दानिश्वर, हमारी तारीख में अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो इब्ने सीना के नाम से तिब और तिब्बी तहकीक बड़ी वाबस्ता है। उसका ताल्लुक ईरान से था, मगर सारी ज़िंदगी उसने अपनी जो है वो समरकंद में गुजारी। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि उसकी लिखी हुई किताबें, जिसमें अल कानून शामिल है, अल तिब शामिल है, ये किताबें तकरीबन 600-700 साल तक स्टैंडर्ड टेक्स्ट थी, मतलब मुरव्वज थी बिल्कुल यूरोप में और सारी दुनिया में। हत्ता कि हमारे यहाँ कनाडा के एक बड़े अजीम फिजिशियन थे जिनका नाम तिब की तारीख में बड़ा अहम है, उनका नाम विलियम ऑस्लर था, कि उन्होंने कहा था कि इब्ने सीना की ये जो मकतूब किताबें हैं ये तिब की बुनियाद रखती हैं। यानी कि तकरीबन आप समझ लें कि इतने ज़्यादा साइंसदान गुजरे हैं तिब और सेहत आमा के शोबों में, बट इब्ने सीना, जिसको अंग्रेजी में एविसेना कहते हैं, उसका दर्जा बहुत बुलंद है। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़े एजाज़, बहुत बड़ा एजाज़ था। और एक किस्म का इंसान के कंधे जो हैं उस बोझ तले दब जाते हैं
कि जब मुझे ये दिया गया एजाज़ दिया गया कि आप चूंकि इस्लामी ममालिक पे काम करते हैं और इतनी आपकी तहकीक खास तौर पे उन इस्लामी ममालिक के बारे में जहाँ बच्चों और माओं की सेहत पर तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए, तो इस्लामिक रिलीफ कनाडा ने ये एक स्कॉलर पोजीशन क्रिएट की जो कि मुझे एजाज़ दिया गया इसका। और इंशाल्लाह इसी पोजीशन की विसादत से उम्मीद यह है कि हमारा जो काम इस्लामी ममालिक में हो रहा है मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में, बिलखसूस वो ममालिक जो कि मुश्किलात का शिकार हैं, जहाँ जंगी हालात हैं, जहाँ थोड़ी सी अफरा तफरी है और जहाँ गवर्नेंस का फुकदान है, ऐसे ऐसे ममालिक में मैं समझता हूँ कि इस काम की वजह से हमें ज़्यादा तहकीक और ज़्यादा एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। अच्छा ये बताइएगा कि वो कौन सा लम्हा था या वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको नौजायदा बच्चों और ख्वातीन के शोबे के अंदर दाखिल कर दिया कि आप इस चीज़ पे काम करें? ये बड़ा मुश्किल सवाल है महबूब भाई, और इसका हतमी जवाब तो शायद मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं हो कि भी वो कौन सा लम्हा था जब मैं फैसला किया, बट मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मैं मेडिकल कॉलेज से ही नौजायदा बच्चों के बारे में ज़्यादा जानना चाहता था। और ये बात है सन 70 की दिहाई की और 70 की शुरुआत की कि उस वक्त नौजायदा बच्चों की सेहत और तिब के बारे में इतनी कोई मालूमात नहीं थी, और ज़्यादातर लोग जो नौजायदा बच्चों पे काम करते थे वो थे जो कि ख्वातीन की सेहत से जिनका ताल्लुक ऑब्स्टेट्रिशियन से यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह। और इस शोबे में तरक्की जो थी वो सिर्फ चंद ममालिक में, जिस तरह आप समझ लें अमरीका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटानिया हो गया, यूरोप के बाद ममालिक हैं उसमें थी इंटेंसिव केयर के लिहाज से। सो उस चीज़ का तो पाकिस्तान से दूर दराज का ताल्लुक नहीं था। तो अब पेशावर जैसे इलाके में जहाँ मेरी तालीम थी, जहाँ मेरी इब्तदा हुई करियर की, उस वक्त मेरा मुशाहिदा ये था कि इन बच्चों की सेहत और निगहदाश्त जो है वो बड़ी साइंसी बुनियाद पे होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे चूंकि हमारे यहाँ जो मुरव्वजा निज़ाम था उसमें ज़्यादातर ये विलादतें जो थीं वो हस्पतालों में नहीं थी, देहातों में घरों में होती थी, और ज़रूरी नहीं था कि तबीबों के हाथ में हो। तो ये चीज़ बड़ी वाजह थी मुझे एक मेडिकल स्टूडेंट की हैसियत से भी कि इसके लिए कोई ना कोई हल ऐसा निकलना चाहिए जो कि हमारे अपने माहौल से जिसका बराह रास्त ताल्लुक आई मीन अगर उस वक्त आप समझ लें कि आप बेअंदाज सोफिस्टिकेट हस्पताल भी बना दें मगर आपकी विलादतें सारी जो हैं वो दूर अफ्ताज़ा देहातों में हो रही हैं, तो उन हस्पतालों का क्या फ़ायदा रहा अवाम नास को? सो ये कशमकश और ये जस्तजू ही बुनियादी वजह थी जिसकी बुनियाद पर मैंने इस शोबे में इंटरेस्ट पैदा किया। और ना सिर्फ इंटरेस्ट पैदा किया बल्कि ये कि जब मैं ग्रेजुएट कर रहा था खैबर मेडिकल कॉलेज से सन 77 की बात है, तो उस वक्त मैंने ये तहिया कर लिया हुआ था कि मैंने इस शोबे में जाना है। और आप यकीन समझे महबूब भाई के उस ज़माने में लोगों को इसके हिज्जे करने भी नहीं थे आते, मतलब कि मैं जब किसी को जाके कहता था कि मैं न्यूनेटोलॉजी करना चाहता हूँ तो वो सोचते थे तजर्बों में पड़े जाते कि है क्या। और मैंने शायद गालिबन आपसे पहले भी कभी जिक्र किया हो, तो मैं बड़ा मशकूर हूँ अपने असातिज़ा का और बिलखसूस अपनी एक मुशफ़िक उस्ताद का जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट थी, अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत दे, कि जब मैं उनके पास गया पहली मरतबा कहने लगा कि मैडम मुझे इस शोबे में जाना है, तो उन्होंने मेरी तरफ टिकटिकी बांध कर देखते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो पहले क्या आता है? तो मुझे एक लम्हे के लिए कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या क्या कह रही हैं आपसे। तो जब मैंने फिर प्रोग्राम में कहा मैडम बताइए पहले क्या आता है, व्हाट कम्स फर्स्ट, तो उन्होंने कहा कि पहले माँ आती है। तो मेरा ये फैसला ग्रेजुएशन के बाद कि मैं तमाम चॉइसेस होने के बावजूद माओं की सेहत और ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी में पहली अपनी जॉब करूंगा, ट्रेनिंग जॉब करूंगा, उसकी बड़ी वजह ये थी कि नौजायदा बच्चे की सेहत समझने के लिए पहले तो आप माँ की सेहत समझे। और वही हुआ कि मैंने जब माँ की सेहत की ट्रेनिंग हासिल की, फिर उसके बाद जब नौजायदा बच्चों की ट्रेनिंग के लिए मुझे कुछ हाथ पैर मारने पड़े, तो उसका यही अंदाज़ा हुआ कि मुझे शायद पेशावर से कराची जाना पड़े। तो वही एक मेरी दूसरी मुशफ
उस्ताद थीं जिन्होंने के बग़ैर मुझे देखे हुए पहचाने हुए जाने हुए सिर्फ एक मेरे ख़त के बलबूते पे मुझे मौका दिया कि मैं कराची जाके ट्रेन कर सकूँ। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह रस्ते बनाता है, दरवाजे खोलता है। मैं तो यकीन नहीं था कर सकता कि मैं एक ऐसे इलाके से निकल कर दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में बेहतरीन इदारों में ट्रेनिंग हासिल कर सकता हूँ। देयर इज द विल देयर इज द वे। जी हाँ, आपने जो पेशावर से सफ़र शुरू किया, फादर आपके इंजीनियर, ग्रैंड फादर आपके सर्जन, तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप इंजीनियर के शोबा ज़िंदगी में या उससे कोई मुतल्लिक चले जाएं, या आपके घर के ऊपर से आपको कोई फोर्स था कि नहीं आपने ये ही करना है, या कोई आपके पास, या आपने ग्रैंड फादर से बहुत ज़्यादा मुतासर थे? देखें, हकीकतन मेरा अपना ज़हनी रुझान और ज़हनी मेरा जो शौक़ था वो भी तिब की तरफ था, और मुझे कभी भी वालदैन की तरफ से या अपने नाना दादा की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं महसूस हुआ। देखिए, मेरा सारा ख़ानदान इंजीनियर्स का है। मेरे वालिद मरहूम इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। मेरे हम सात बहन भाई हैं जिनमें से पांच जो हैं वो इंजीनियर हैं और छोटे मोटे भी नहीं, मतलब टॉप के इंजीनियर्स हैं। और मेरे नाना मरहूम जो हैं वो भी आर्किटेक्चुरल इंजीनियर थे अपने ज़माने के, आप समझने आज से तकरीबन 100 साल पहले के। तो इसमें कोई शक नहीं था कि शायद ज़्यादा सहूलत होती है इंजीनियरिंग करने में, मगर मेरा अपना शगफ, अपना मेरा शौक़ जो था वो तिब की तरफ मायल था, लिहाजा मुझे किसी ने रोका नहीं बल्कि मुझे इंकरेज ही किया गया। मैं बहुत छोटा था, तकरीबन 10-11 साल का था, जो कि मेरा एक बड़ा एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, मेरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसमें मेरा बायां हाथ जो है वो तकरीबन कट गया था। और उससे रिकवरी के बाद मेरा बायां अंगूठा जो है वो बचा नहीं सके डॉक्टर। तो उस वक्त मुझे लगता था कि जैसे मेरा मुस्तकबिल बिलखसूस तिब में तारीख हो गया, इस वास्ते कि एक अंगूठे के बगैर आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो मेरे वालदैन ने, अल्लाह मेरे वालिद मरहूम को जन्नत नसीब करे और मेरी वालदा को सेहत कामला दे, उन्होंने बड़ी सेक्रीफाइस की और उस जमाने में भी मेरे इलाज के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कई सर्जरीज मेरी हुई जिसकी बुनियाद पर एक रिकन्स्ट्रक्शन की गई, मेरे हाथ के एक स्टम्प बनाया गया, और लोगों का ख्याल नहीं था कि इसके बावजूद मैं कुछ कर सकूंगा, खासतौर पर तिब के शोबे में। तो जब मैं पढ़ भी रहा था और हाउस जॉब्स भी कर रहा था, तो कई लोग समझते थे कि शायद ये जराहत नहीं कर सके, सर्जरी नहीं कर सके, मगर अल्लाह का देना क्या हुआ कि ना सिर्फ मैंने सर्जरी की तालीम हासिल की, सर्जरी के शोबे में काम किया जिसमें ख्वातीन के बारे में आपको बता चुका हूँ, बल्कि ये कि नौजायदा बच्चों पे काम करने में तो आपको इतनी महारत चाहिए होती है, इतनी बारीकी का काम होता है कि उसमें जब तक कि आपके दोनों हाथ जो हैं उनमें हुनर और स्किल ना हो आप वो काम कर नहीं सकते। तो अल्लाह का बड़ा एहसान और फजल था कि ना सिर्फ अपने काम में मुझे शौक था बल्कि इतनी महारत हासिल हो गई थी कि जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर दूसरे नहीं कर सकते थे वो मुझे आके कहते कि तुम कर दो। तो ये मैं समझता हूँ अल्लाह रास्ते बनाता है महबूब भाई, और जब रास्ते बनाता है उस पर चलने का मौका जो है वो इंसान को मिलता है। रिसर्च साइंटिस्ट, 1000 के करीब पब्लिकेशन मेरे ख्याल में आपकी अब तक आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा प्रोफेसर भी हैं UTF के, यूनिवर्सिटी टोरंटो के, बहुत सारे सिख किड्स हॉस्पिटल जैसे इदारे में आप जुड़े हुए। इतने सारे मामला किस तरह देख लेते हैं, और क्या वजूहत थी कि सिख किड्स ग्लोबल हेल्थ चाइल्ड का ही आपने जो है उसके ऊपर काम किया? देखें, मैं मेरा तो दिल और समझ ले मेरी रूह जो है वो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। सन 1985 में मैं वापस गया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान के उस वक्त सबसे बड़े और इनोवेटिव तहकीकी और तिब्बी इदारे आगा खान यूनिवर्सिटी में की शुरुआत में मेरी उनसे वाबस्तगी थी, और शोबा अमराज अतफाल वहाँ मैंने ही इस्टेब्लिश किया था, ख़ासतौर पर नौजायदा बच्चों का शोबा। तो आप समझ लें मेरी ज़िंदगी तो पाकिस्तान में गुजरी, और बतदरीज हस्पताल की चार दीवारियों से निकलकर पाकिस्तान के देहातों में दूर अफ्तादा इलाकों में काम करना, ये भी मौका मुझे उसी इदारे की विसात से मिला, और कोई इसमें मुझे कोई कभी कबाहत नहीं हुई, किसी ने रोका नहीं। सिर्फ ये कहा गया कि भाई आप जो कर रहे हैं सोच समझ के करें, इस वास्ते कि जो भी आप काम में हाथ डालें उसका कोई
नतीजा हतमी नतीजा होना चाहिए और यही अल्लाह के फजल से हमारा काम बेतदरीज छोटे इलाकों से बढ़कर सूबों तक और कई डिस्ट्रिक्ट्स तक फैला। अब इस वक्त दो कि मैं कराची के आगा खान अस्पताल में डायरेक्टर हूँ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ का, उनके सारे दुनिया के प्रोग्राम्स का, बट जो मेरा सबसे बड़ा काम है वो कराची के करीब एक मटियारी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमारी पूरी एक फील्ड लेबोरेटरी है जहाँ हम काम करते हैं, एक दो नहीं बल्कि हजारों देहातों में। सो ये मौके हमें मुझे मिले, मगर सन 2010 के लगभग इस चीज़ का मुझे एहसास होने लगा कि जो मेरा काम है बिलखसूस जो दुनियावी हालात के बारे में काम है और जो हमारे अपने इलाके में रीजन में सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान में और दीगर ममालिक में काम है उसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा और वो प्लेटफॉर्म तब्दील करने के लिए किसी ऐसे इदारे से मुंसलिक होना ज़रूरी था जो इसकी के आउटरीच हो, जिनके ताल्लुकात हो, ख़ास तौर पे ना सिर्फ मैं कहूँगा अरबाब इख्तदार से बल्कि दुनिया में जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के बड़े बड़े इदारे हैं उनके साथ एफिलिएशंस हों। तो अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि जब मैंने ये इरादा किया कि मैं अपना थोड़ा सा बेस तकरीबन 30 साल के बाद तब्दील करना चाहूँ, तो जिस तरह मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले महबूबा भी बताया कि हिम्मत मर्दान मदद खुदा, वो अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका आपको अंदाजा भी नहीं होता आपके ज़हन में। तो मैं तो सबैटिकल के लिए आया था, काम करने के लिए, दुनिया एक ग्लोबल एक्शन प्लान नमोनिया और डायरिया का बनाने के लिए मैं आया था कि यहाँ बैठ कर मैं थोड़ी सी तहकीक करूँगा, थोड़ा सा यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ काम करूँगा और तसल्ली तशफ़ी और तन्हाई में बैठ के ये प्रोग्राम वज़ा करूँगा। अब वो शायद यहाँ के इदारों को यूनिवर्सिटी को भी वो बात ऐसी पसंद आई कि क्लिक कर गई होगी चीज़ है कि स्टूडेंट्स यहाँ के जो यंग स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में इतना जज्बा है और इतना शौक है ग्लोबल लेवल पे काम करने का कि इन्होंने ऑफर किया कि जी आप हमारे लिए शोभा यहाँ इस्टेब्लिश करें। शर्त मैंने ये रखी कि जी मैं बिल्कुल आपको इस्टेब्लिश कर दूंगा मगर मैं पाकिस्तान से अपना ताल्लुक छोड़ नहीं सकता हूँ। तो जो मैंने इनको चैलेंज डाला कि आप आगा खान यूनिवर्सिटी से बातचीत करके कोई जॉइंट अपॉइंटमेंट का सिलसिला करें कि ताकि मेरा अपना काम भी वहाँ जारी रहे और यहाँ भी मैं आपके लिए प्रोग्राम कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 8 साल से भाई आपके सामने को डायरेक्टर आपने जो है वो यहाँ पर, तो मेरा अपना पाकिस्तान का काम जो है वो अपनी जगह जारी है, यहाँ का जो काम है मेरा वो मुहक्किक और की हैसियत से और ख़ासतौर पर दरस व तदरीस और स्टूडेंट्स के साथ जो मैं काम करता हूँ वो अपनी जगह जारी है। उसकी एक बड़ी जो मैं अगेन तीसरा दरवाज़ा जो खुलने वाली बात है उसका एक जो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ वो ख़ास तौर पर मेरे इस्लामी मालिक के काम की वजह से। देखें अभी हमने पिछले साल जो एक इतनी बड़ी तहकीक पब्लिश की कि इस्लामी मालिक में माओ और बच्चों की और एडोलेसेंट की नौजवान नस्ल की सेहत के क्या हालात हैं, क्या मुजमरात हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि जिससे बेहतरी हो सकती है, तो उसमें तमाम इस्लामी ममालिक शामिल थे। अब उस काम को करने के लिए आपको जो टीम चाहिए वो भी मल्टीनेशनल टीम चाहिए। आप सिर्फ पाकिस्तान में 4 स्कॉलर्स के साथ बैठकर अफ्रीका के मुसलमान ममालिक पे या साउथ ईस्ट एशिया के मुसलमान ममालिक पे या हत्ता के अपनी नेबरहुड के अफगानिस्तान पे काम नहीं कर सकते हैं आप। तो वो मुझे टीम बनाने का यहाँ मौका मिला कि जो मेरे साथ 8-9 स्कॉलर्स ने काम किया जिन खवातीन ने, उनका ताल्लुक इस्लामी ममालिक के तमाम कोनों से था। उनमें कुछ का ताल्लुक फलस्तीन से था, कुछ का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, कुछ हिंदुस्तान से थी, कुछ ईरान से थी। तो वो एक मौका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्लेटफॉर्म से वो एक ऐसा रास्ता मिला काम करने का जिसका कि मैं पहले तसव्वुर नहीं था कर सकता। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस, डोंट गो अवे।
You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Addo Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Addo Law, the legal professionals. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox, and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. The Law Professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Imagine a carefree lifestyle in a tranquil town of Bowmanville. Appleview, traditional style freehold townhomes that are elegant and future rich, designed to feel home. Bowmanville will have expansion of GO Train and Highway 407, new Ontario Power Plant, and new Toyota Distribution Facility. We invite you to get special incentives for a limited time. Call now 416-897-4714 or visit appleviewhomes.com. वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख, फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब. बेशक अगर इंसान की नियत सच्ची हो तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने इरादों में अपनी मेहनत के जरिए कामयाब हो सकता है. डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब ने बताया कि मदद खुदा जब साथ हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं. अल्लाह ताला ने बहुत सारी नवाजिशात इनके ऊपर की हैं. आज ये जो कुछ भी हैं, बेशक इनके वालदेन का एक रोल होगा, लेकिन इनकी अपनी मेहनत का भी बड़ा अमल दखल है. जब इंसान स्ट्रगल करता है तो अल्लाह पाक उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, उसका रिटर्न उसको यहाँ और आखिरत दोनों में मिलता है. डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब, वंस अगेन ये बताइएगा कि इतनी एफिलिएशन इतने इदारों के साथ रही है आपकी, आप देखते हैं कि अगर आप नज़र दौड़ाएं पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, दीगर ममालिक की जानब, एशिया की जानब खासतौर पर, तो वहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बच्चों में और ख्वातीन के जो प्रॉब्लम हैं, इश्यूज़ हैं, किस हद तक आप उससे मुतमईन हैं, और क्या वहाँ पे जो तबी सहूलियात दी जाती हैं आप समझते हैं कि वो सही उनको दी जा रही है या उसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, जो रिसोर्सेज हैं इस वक्त उनके पास मौजूद, उन रिसोर्सेज को देखते हुए? जी, यही तो एक बहुत बड़ा अलमिया है महबूब भाई के. इस्लामी ममालिक में अगर आप ब्रॉडली देखें तो ना वसाइल की कमी है, ना दीगर जो असबाब होते हैं उनमें कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से वो ममालिक तरक्की ना कर सकें. मगर आप अगर नज़र दौड़ाएं तमाम इस्लामी ममालिक पे, तो
तो एक तो इस वक्त इंतशार की सी कैफियत है, और तभी आप देख सकते हैं कि लीबिया, सीरिया, इराक जैसे ममालिक जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में तकरीबन शामिल होते थे और उनके सेहत आमा के आदाद व शुमार जो हैं वो मिसाली तौर पर समझे जाते थे, आज वो तबाही के दहाने पे हैं खड़े। इसी तरह अगर आप देखें तो कई ऐसे ममालिक इस्लामी ममालिक हैं कि जहाँ के वसाइल बेअंदाज हैं मगर उनका ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, जो उन्होंने अपने जवान असल पे, अपने बच्चों पे, माओं पे इन्वेस्ट किया करना चाहिए जिस तरह उनके, वो अगर किया भी है तो उसका रिटर्न उस तरह नहीं है, नहीं मिला। और कई ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जो कि मिसाली हैं बिलखसूस उस तर्ज अमल के जो कि वो अपने सेहत आमा के तौर पे कर चुके हैं। तो ये जो 65-66 ममालिक हैं जो कि या इस्लामी ममालिक हैं या इस्लामी मेजॉरिटी के ममालिक हैं, इसमें आपको बहुत तजाद नजर आएगा। अब उस तजाद के असबाब क्या? एक बड़ा सबब जो हमारे अपनी तहकीक से साबित होता है वो ये कि इन ममालिक में कई जगह ख्वातीन की तालीम, सेहत और जो एक सोसाइटी में इस्लाम ने ख्वातीन को दर्जा दिया है वो दर्जा बराबर है जो मर्दों के दर्जे का। कई जगह इस्लाम में तलकीन की गई है कि अपनी औरतों के साथ सलूक सही करो, बेहतरीन सलूक। वो हम देखते हैं कि कई जगह तकरीबन जमाने जाहिलियत वाली हालात हैं जिस तरह ख्वातीन को डेवलपमेंट से दूर रखा जाता है, तालीम के असबाब नहीं है छोटी लड़कियों के लिए। आप समझ लें इस वक्त सबसे ज्यादा शरा जो है छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर देना, वो कई इस्लामी ममालिक में और कई जगह ऐसे है कि 15 साल की उम्र से पहले शादियां हो जाती हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल से मसाइल पैदा होते हैं। आप ना सिर्फ ये कि एक तो उस बच्ची की तालीम रुक गई, एक ये कि उसकी अपनी नश्वनुमा भी चल रही हो, तो आपने उसको माँ बना दिया, तो उसका आप समझ लें कि बचपना और एडल्टहुड के दरमियान का जो पैसेज है वो तो खत्म कर दिया था। खत्म कर दिया आपने, सही बात। तो इसको हम कहते हैं अपनी इस्लाम में चिल्ड्रन हैविंग चिल्ड्रन, और ये बड़ा एक किस्म का राइज है कई इस्लामी ममालिक में। और अफसोस की बात ये है कि ना सिर्फ राइज है कि इसको बड़े फख्र से लोग बताते हैं कि जी हम पैरवी कर रहे हैं जो इस्लामी, कोई ऐसे इस्लामी असूल नहीं है। इसमें सेहत के हवाले से भी बजट बहुत सारे ममालिक का बहुत कम है। देखिए बाज का कम है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का सेहत आमा पे जो बजट है वो इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। बाज़ ममालिक का बजट ठीक ठाक है मगर उस बजट और आउटकम में जो तनासुब है वो बैलेंस नहीं है। कई ऐसे ममालिक हैं जो कि अपने वसाइल से कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं सेहत आमा पे, मगर अगर आप देखें तो उनको और दीगर किस्म के मसाइल हो रहे हैं। अब आप देखें मिडल ईस्ट में कई ममालिक हैं जिनको वसाइल की कमी नहीं है बल्कि क्या वाफर वसाइल है। अब वहां जाके सेहत आमा का हाल देखें तो आप देखेंगे कि लोगों को ज़ियाबतीस, लोगों को मोटापे की शिकायत, लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कहते हैं मेंटल हेल्थ इशूज, इस किस्म के ऐसे मसाइल मौजूद हैं जो कि मैं समझता हूँ कि उनकी तरक्की में बहुत बड़ा रखना डालेंगे। तो इस वक्त बड़ी जरूरत है इस्लामी ममालिक में 3-4 चीजों की तरफ तवज्जो दी जाए। पहली बात तो यह कि गुड गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस, और ये गुड गवर्नेंस का ताल्लुक कुछ तो इंसाफ से है, कुछ इसका ताल्लुक पॉलिटिकल फ्रीडम से है, कुछ इसका ताल्लुक इस्लामी तर्ज जमहूरियत से है। मैं वेस्टर्न जमहूरियत की बात नहीं करूंगा, इस्लामी तर्ज जमहूरियत इन तमाम जमहूरियत के मॉडल से कहीं बेहतर है। तो एक तो गवर्नेंस का इशू है। अब आप देखें कि कई जगह जिन्होंने गवर्नेंस देने के नाम पे भी हुकूमतें की हैं उनके घरों से खरबों करोड़ों डॉलर निकले, तो ये तो हुकूमत ना हुई ना। दूसरी जो बड़ी चीज की जरूरत है वो ये कि ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट हो। ह्यूमन डेवलपमेंट से मुराद क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट से मुराद ये है कि आप अपने लोगों को तालीम दें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप तालीम हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। और अफसोस की बात यह है कि अगर इस वक्त आप तालीम आला तालीम का तजिया करें इस्लामी ममालिक में तो चीदा चीदा ममालिक हैं जहाँ आपको सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस मिलेंगे, या कि आप दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज की हर साल एक रैंकिंग आती है उसमें आप अंदाजा लगाइए कि मुस्लिम ममालिक की यूनिवर्सिटीज शाज़ो नादरी कहीं शामिल होती है। तो हम 1500 साल में भी
कोई ऐसे अलहजर के बाद, और अलहदर भी अपनी जगह खड़ी, कोई ऐसे सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस्टेब्लिश नहीं कर सके जहाँ के तहकीक हो सके, और तहकीक के अलावा साइंसी तालीम देनी चाहिए मुस्तकबिल के लिए। और उसका नतीजा ये है कि इस्लामी ममालिक आम तौर पर टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करते। इस वक्त कोई ऐसा मुस्लिम मुल्क नहीं है शायद इंडोनेशिया के अलावा जहां के इस वक्त आप बच्चों की सेहत के लिए वैक्सीन बनाते हो। देखिए वैक्सीन जो है जो कि हम हिफाजती टीके बच्चों को देते हैं तो बड़ी बुनियादी चीज है ना, लाइफ सेविंग ड्रग्स में आता है। ऑफ कोर्स अगर आप फार्मा इंडस्ट्री को देखें या आप वैक्सीन इंडस्ट्री को देखें तो मुस्लिम ममालिक कहीं पीछे है बुनियादी तहकीक से, और इसी का ताल्लुक केमिस्ट्री फिजिक्स, आई मीन एक डेढ़ मुस्लिम ममालिक से ऑफकोर्स नोबेल लॉरिएट निकले हैं मगर उन्होंने अपनी तहकीक कहाँ की है। अगर आप डॉक्टर अब्दुल सलाम को देखें या आप इजिप्ट के साइंसदानों को देखें जिन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज हासिल किया था, उन्होंने तहकीक अपनी अमरीका में या बरतानिया में आगे की। तो हम कोई ऐसे तहकीकी इदारे भी नहीं बना सके हैं कि जहाँ ये कर सकें। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसका भी बड़ा ताल्लुक गवर्नेंस से और विजन से है कि जब विजन होगी इस्लामी ममालिक में कि आपने अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए, तालीम के लिए, आला तालीम के लिए बिलखसूस इन्वेस्ट करना है तो इसमें लोग जाएंगे। और तीसरी बड़ी चीज़ वो उसका नाम है एक्विटी एंड जस्टिस, कि अगर आप देखें तो इस्लाम जो एक चीज़ सिखाता है कि आपने अपने ममालिक में या अपने इलाकों में गरीब अमीर की कोई तफरीक नहीं करनी, आपने रंग नस्ल जात पर कोई तफरीक नहीं करनी। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज्जतुल विदा के खुतबे में क्या आखिरी खुतबा यही था, यही था किसी अरबी को अजमी को अरबी को शायद वो देख रहे हो आगे कि क्या हाल होगा मेरी उम्मत का। मगर इस वक्त आप देखें तो सबसे ज्यादा आपको तफर्रुक जो है रंग नस्ल जात पे वो भी आपको कई इस्लामी ममालिक में मिलता। तो ये इनएक्विटीज जो है ये मेरी अपने तजिये के मुताबिक इस्लामी ममालिक के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा एक बैरियर है, इम्पेडिमेंट है। इन चीज़ों को अगर आप रफा कर सकें, इन चीज़ों को हटाकर अगर एक आप एक मिसाली मुआशरा और जिसमें कि डेमोक्रेसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, एक्सेस टू एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वेलफेयर हो, वो अगर आप इस्लामी ममालिक में राइज कर सकें तो उसका आपको खातिर खान नतीजा मिलेगा। और कई ऐसे ममालिक में मिसाल है कि जहाँ ये किया जा चुका है। अच्छा, आपने बहुत रिसर्च वर्क किया है, बहुत पब्लिकेशन 1000 के करीब आपकी आ चुकी है, बहुत तसनीफ आपने किताबों के मुसन्निफ भी आप हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि इस्लामी ममालिक में ख़ास तौर पर जिसके लिए आपको इस्लामिक रिलीफ कैनेडा ने आपको स्कॉलरशिप भी दी है, एजाजी डिग्री दी है, कितने पर्सन खवातीन और बच्चे होंगे जिनको तभी सहूलियात मैसर नहीं है या जो आप समझते हैं जो तभी सहूलियात से महरूम है? ये इसका तो मैं अंदाजा मैं आपको इसका स्पेसिफिक जवाब देता हूँ कि अब ये तीन चार इंडिकेटर हैं जो हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं माओं से। एक इंडिकेटर है जो ग्लोबली देखा जाता है कि कितनी माओं को फैसिलिटी है ट्रेंड बंदे के हाथ में जचकी की, यानी कि पैदाइश उनकी या इदारों में हो या किसी ट्रेंड बंदे के हाथ में हो, वो दाइयों वाला हाथ जाओ। आप हिसाब लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 20-30% विलादतें जो हैं वो अनट्रेंड लोगों के हाथ में, अब कहीं जाके थोड़ा बहुत 70-75% के करीब फैसिलिटी बर्थ हुई हैं। कई ऐसे ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक अफ्रीका में जहाँ की शराह इससे भी कम है, अफगानिस्तान में आधी विलादतें जो हैं वो देहातों में हैं। तो ये आप मैसर नहीं कर पाए, और कई जगह बिलखसूस मैं अगेन फिर पाकिस्तान की बात करूंगा कि कोई डॉक्टरों की कमी नहीं है, लाख से ज्यादा डॉक्टर है, मगर वो कहाँ है? अगर आप हिसाब लगाएं तो ज्यादातर शहरों में, शहरों के अंदर इसी, तो जहां जरूरत है वहां हम असर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको मिसाल दूंगा बच्चों की, अगर आप एक मिसाल ले लें हिफाजती टीकों की जो मैंने आपसे अभी बात की थी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अपनी उम्र के मुताबिक पूरी इम्यूनाइजेशन मिल चुकी हूँ, अभी तक पोलियो तक खत्म नहीं कर पाए। लेकिन पोलियो तो एक तरफ रही है, पोलियो तो में तो अब बदकिस्मती से सियासत आ गई और गलत सियासत आ गई। बट ये कि अगर आप आम हिफाजती टीके देखें जो कि हम बच्चों को पहले साल में लगाते हैं जो कि लाइफ सेविंग वैक्सीन हैं,
और ये मुफ्त में सर, इसमें कोई ढेला टका नहीं देना पड़ता किसी को, क्योंकि ये ईपीआई वैक्सीन और गावी की सपोर्ट में सर हुकूमती सतह पर भी होती है, ये सारी हुकूमती की सतह पे होती है भाई। मगर अगर आप शरह देखेंगे कितने बच्चों को ये मुयसर है, तो कई ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जहाँ 50% 40% कहीं आप देखें 30% बच्चों को एक वैक्सीन नहीं मुयसर। तो ये जो तजाद है उसकी क्या वजह है? देखें उसकी वजह एक तो मैंने आपको बताया, पुअर गवर्नेंस एंड ओवरसाइट के नहीं, जब आप द आई डज नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो, अगर आपको पता ही नहीं कि आपके कितने लोग जो हैं वो दे हैव फॉलन थ्रू द क्रैक्स, जो कि ऐसे इलाकों में है जहां के आपकी दस्तरस ही नहीं, तो आप उनके लिए कभी कोई फैसिलिटी नहीं नाफिज करेंगे या राइज करेंगे। दूसरा उसकी बड़ी वजह यह है कि मेरे ख्याल में जितना इन्वेस्ट करना चाहिए इन मुल्कों को अपने बच्चों की और जेनरेशन की सेहत में और ख़ास तौर पे उनकी न्यूट्रिशन पे उतना नहीं कर सके, और ये इतनी इंतहाई बेवकूफ़ी है कि इसको खर्चा समझा जाता है। कई हमारे ममालिक और मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस इस चीज़ को समझते हैं कि जी ये तो खामखा का खर्चा है, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। देखें दुनिया में किसी मुल्क ने आप दुनिया की तारीख उठा के देखें कभी तरक्की नहीं की जब तक के उसकी अवाम नास जो हैं वो पुअर हेल्थ और न्यूट्रिशन का शिकार रही हूँ। जो बच्चा एक वक्त की रोटी खाता या स्कूल नाश्ता किए बगैर आ जाता है, इस वक्त की घर में वसाइल नहीं है, वो क्या खाक पड़ेगा स्कूल में? सही कह रहे हैं। और जो बच्चा मेल नरिश्ड है वो एक हद से ज्यादा कितनी तालीम हासिल करेगा, क्या उसकी कैपेसिटी होगी? चलें आप तालीम को एक तरफ छोड़ें, अगर आप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी जिसकी बढ़ोतरी और नशोनुमा रुक गई वो आगे जाके क्या फिजिकल एक्टिविटी करेगा? सही कह रहा। अच्छा ये बताएगा अभी रिसेंटली जो ग्लोबल एनवायरनमेंट चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए कौन सा लेटेस्ट रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं जो आप समझते हैं कि बहुत जरूरी है कि इस पर काम करना चाहिए? देखें मैं तो आज की बात करूंगा क्योंकि आज फर्दर टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पाकिस्तान की नई न्यूट्रिशन सर्वे की रिपोर्ट मुरतब करके हुकूमत के हवाले की है, मौजूदा हुकूमत के हवाले की है, और ये 2018 का जो न्यूट्रिशन सर्वे है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सर्वे है, तकरीबन 1,15,000 हाउस होल्ड पर मुश्तमिल है, और इसमें हमें तकरीबन प्लान करने में 2-1 साल लग गए और एग्जीक्यूट करने में पूरा साल लगा है। हमें ये आंखें खोल देने वाला सर्वे है जो कि हमें आईना दिखाता है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। तो अगर इस वक्त आप साउथ एशिया के ममालिक का तजिया करें तो आप ये देखेंगे कि कई ममालिक में तरक्की हुई है सेहतियामा के लिहाज से भी और बच्चों की नशोनुमा के लिहाज से भी। ये हमारे वज़ीर आज़म ने गलत नहीं था कहा कि अगर हमारे 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं या जिनकी के नशोनुमा रुक गई है एक हद के बाद, तो ये बच्चे आगे जाकर मुकाबला नहीं कर सकते हैं दुनिया का। तो हम जो देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये बच्चों की स्टंटिंग का मसला है बल्कि और अगर आप न्यूट्रिशन के एचआईवी पे बात कर रहे हैं? नहीं जी मैं बात कर रहा हूँ कब छोड़ जाने पे। एचआईवी तो अब बदकिस्मती से लड़काना में ऐसे केसेस हुए हैं कि जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुए, और इसका भी बराह रास्त ताल्लुक जो है सेहत आमा का फुकदान है, और मैं समझता हूं कि लड़काना में जिस तरह के आउटब्रेक हुआ है इसकी बिल्कुल क्रिमिनल हद तक तहकीक होनी चाहिए कि ये हुआ कैसे और किस तरह हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज का इसका इल्म ना हो, और मिसाली सजा देनी चाहिए अगर इसमें कोई मुल्जिम सामने आता। पानी की वजह से हो रहा है पानी या क्या वजूहत है? नहीं उसके तो एक सामने वजह है कि जो एक सोर्स इनको नजर आया है वो ये कि वो टीके बार बार इस्तेमाल कर रहे थे और जिसकी वजह से वायरस एक केस से दूसरे केस को जा रहा था, और सैकड़ों बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं जिसमें बेहद अफसोस है मुझे इस चीज का। अच्छा कनाडा में रहते हुए आप पाकिस्तान इस्लामी मालिक के लिए बहुत कर, क्या कनाडा की कोई हेल्थ पॉलिसी या चाइल्ड के हवाले से भी आप कुछ यहाँ कर रहे हैं? देखिए हम हमारी अपनी जो काम है इसका बराह रास्त ताल्लुक कनाडा की अपनी पॉलिसीज से है, खासतौर पे इनकी जो ओवरसीज डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, तो मेरे काम का ज्यादातर ताल्लुक कनाडा के उन प्रिंसिपल्स और रसूलों से इसका राबता है जो कि कनाडा इस वक्त अफ्रीका में और दीगर ममालिक में काम कर रहा है, मगर इसका काफ़ी हद तक ताल्लुक उन मॉडल से भी है जो कनाडा में खुद राइज होने चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में कोई वसाइल की कमी नहीं है और सोच भी इनकी काफ़ी लॉन्ग टर्म है, और इन्होंने अभी तक वो चीज़ें की हुई हैं जो कई दुनिया के ममालिक में नहीं कर सके। बहरहाल अब यहाँ का यूनिवर्सल
हेल्थ कवर देखें आप तो फ्री हेल्थ केयर है एक एक लिहाज से, और तो कोई आपको अपनी जेब से इतना देना नहीं पड़ता। तो इनके जो हेल्थ इंडिकेटर हैं वो दुनिया में कई ममालिक से बेहतर होने चाहिए। बाज जगह हम देखते हैं कि नहीं है। अच्छा, और तजाद भी काफ़ी है। तो बिलखसूस इनकी अपनी आबादी में वो जो इंडिजिनस लोग रहते हैं कनाडा के दूर अफ्ताज इलाकों में, नॉर्दर्न एरियाज में, और उनकी सेहत आमा आइडियल नहीं है। अगर आप देखें तो वहाँ मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, दीगर साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत देखने में। जी हाँ, या वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि एक वो छोटे छोटे हैमलेट्स में रहते हैं, फिर कुछ तारीख ऐसी है कि जिसकी वजह से वहाँ डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, सुसाइड्स का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये मसाइल हैं इनके। अगर अब ये चाहें तो दुनिया के कई ऐसे मॉडल इस मुल्क में भी राइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो तजाद जो है हेल्थ का बिटवीन लेट्स से इसी सूबे के नॉर्थ में और इस सूबे के साउथ में जो तजाद है हेल्थ आउटकम्स का, उसको किसी हद तक ये ब्रिज कर सकते हैं। चलें आप उसको भी तो छोड़ें, अगर आप हमारे अपने शहर टोरंटो को देख लें, तो अगर आप टोरंटो का हिसाब लगाएं कि मुख्तलिफ पोस्टल कोड्स में क्या फ़र्क है हेल्थ आउटकम्स का, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि पोस्टल कोड्स के हिसाब से पास हेल्थ आउटकम्स में 30-40% का की कमी बेशी है। और वो 30-40% की कमी बेशी जो है, खासतौर पे ऐसे मुल्क में जहाँ के हेल्थ कवर फ्री हो वो होनी नहीं चाहिए। और अगर है तो उसका ताल्लुक भी बुनियादी सोशल डिटर्मिनेंट से है, जो कि हेल्थ से जिनका ताना बाना जुड़ा हुआ। एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इमिग्रेंट यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं, खासतौर पर जिनके पास जो प्रोफेशनल स्किल्ड फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आते हैं, IMG इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स, पाकिस्तान से हो, ईरान से हो, भारत से हो, या दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, उनको यहाँ पर बड़े इश्यूज का सामना करना पड़ता है जॉब्स के हवाले से, रेसिडेंसी के हवाले से। क्या वजूहत हैं और उनको आप क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क से आने से पहले क्या करके आया जाए, उनको इन मसाइल का सामना ना करना पड़े? पहली बात तो ये है कि आंखें खोल के आना चाहिए। यहाँ जिन लोगों का ख्याल है कि यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और आते ही लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी आला किस्म की सिर्फ एक तिब्बी डिग्री की बुनियाद पे, तो ऐसी बात नहीं है। और ये सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, कई डेवलप्ड ममालिक में भी यही चीज़ है। पहले तो ये कि स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन में बड़ा फ़र्क है। देखिए, यहाँ जो मेडिकल की तालीम होती है वो आप समझ लें 8 साल की तालीम होती है, 4 साल बुनियाद दी जाती है और 4 साल की बुनियाद के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आप इंटर्नशिप करते हैं। तो हमारे यहाँ की तरह 5 साल की तालीम नहीं है, 8 साल की तालीम है। कई यहाँ के जो ग्रेजुएट हैं वो ग्रेजुएट करते वक्त भी काफ़ी तहकीक कर चुके होते हैं, कई लोगों के पास मास्टर्स डिग्रीज होती हैं। तो कंपटीशन काफ़ी स्टिफ है और कंपटीशन है, और चूंकि नौकरियाँ महदूद हैं लिहाजा आते वक्त पूरी तरह सोच लेना चाहिए कि आप कैसे कम्पीट करेंगे। और अगर आप कम्पीट करेंगे तो फिर आपकी अपना एक्सपीरियंस, आपकी अपनी क्वालिफिकेशंस, आपके अपने जो इक्विवेलेंस एग्जाम्स में परफॉर्मेंस है वो भी उसी तरह होनी चाहिए। मगर एक और चीज़ मैं कहूँगा अपने बहन भाइयों से जो कि आ रहे हैं कैनेडा, वो ये कि कभी भी आप जियोग्राफी चेंज करते हैं, अपना रेजिडेंस चेंज करते हैं, तो उसमें आपको अपने शोबे को ज़रा वसी नज़र से देखना चाहिए कि उसमें क्या मौके हैं मज़ीद डेवलप करने के। देखें, रीट्रेनिंग और ख़ास तौर पर ट्रेनिंग इनटू एरियाज जिनकी ज़रूरत है कनाडा में, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से पहले करता आया। और मैं ख़ासतौर पर उन लोगों को कह रहा हूँ जो कि थोड़ी सी निस्बतन एडवांस्ड एज में आते हैं, मिडिल एज में आते हैं, जो यंगस्टर्स हैं दे नीड टू कम एंड इम्प्रूव देयर क्रेडेंशियल्स टू द लेवल के वो लोगों के शाना बशाना चल सके। जो लोग कर सके हैं, और मेरे कई स्टूडेंट्स, कई मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो कि आए हैं यहाँ, उन्होंने पूरी तरह ट्रेन किया और कम्पीट किया है और आज माशाल्लाह वो बड़ी टॉप पोजिशंस पे हैं। बट ये नहीं है कि आप आएंगे और फौरी आपको नौकरी मिल जाए। वक्त दरकार है, तैयारी दरकार है, और तैयारी के अलावा आपको अपने क्रेडेंशियल्स स्ट्रेंथन करने का एक मौका दिया जाता है। वो आप अपने क्रेडेंशियल जरूर स्ट्रेंथन करें और वो तालीम हासिल करें कि जिसकी बुनियाद पर आप इन लोगों के शाना बशाना चल सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा। नाज़रीन, आपने डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी। हमें उम्मीद है कि आपका हमारा प्रोग्राम फेस टू फेस विद महबूब शेख 2360 पे पसंद आया होगा।
आप हमें हमारे प्रोग्राम के बारे में फीडबैक दें, आपके फीडबैक से हमारी बहुत हिम्मत अफजाई भी होती है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है एक तरीके से कि हमारे प्रोग्राम में किस चीज़ की कमी है। रिसेंटली आपने देखा कि हमने एक अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम पुलिस के साथ, कम्युनिटी और पुलिस का जो लायजन है उसके हवाले से एक प्रोग्राम किया था। आपके फीडबैक ने हमें बहुत ही मोटिवेशन दी और उससे हमारे और मजीद इज्जत अफजाई भी हुई और हौसला भी बढ़ा है। मैं आपको प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले कबल सिर्फ एक इतनी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखें, इंसान के अमल और अमाल और अकायद अगर पुख्ता हों और वो कुछ करना चाहे तो अल्लाह पाक उसकी गैब से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह मदद फरमा देता है। कनाडा हमारा अपना मुल्क है, हमारे मदरलैंड जो हम छोड़ के आए पाकिस्तान को या दुनिया के किसी भी हिस्से को, हमें यहाँ आके यहाँ के सिस्टम में दाखिल होने के लिए यहाँ की तमाम मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए अपने शोबे को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कनाडा में मौके नहीं है, कनाडा में बहुत मौके हैं। डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा की मिसाल आपके सामने है, वो कहते हैं वो आए, उसने देखा और फतह कर लिया। बेशक डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा की मिसाल उन्हीं लोगों में शामिल होती है जो एक कामयाब और हमारे लिए मेंटोर की हैसियत रखते हैं। मैं अपने प्रोग्राम का अख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहूँगा, सजदों से तेरे क्या हुआ, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे और सजदा तलाश कर। अगर आपको अपनी दुनिया तब्दील करनी है तो वाकई में कोई ऐसा काम करना है जिससे आपकी दुनिया तब्दील हो जाए। अपने होस्ट महबूब शेख को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor. A halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center, service to humanity is service to Allah. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस, जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान, जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट ना के आपके बैंक को, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। Dixie Electronics and Appliances is your number one destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca.